तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे है मेरी भोपाल के दोस्तों, आप लोग? आज हम लोग का एक फूड व्लॉग है जो कि एक कैफ़े के बारे में है जो एमपी में फर्स्ट लाइव रोस्टरी लेके आए हैं। उसका नाम है कैफ़े हैंडक्राफ्टेड। तो आइए हम लोग आपको वहाँ ले चलते हैं, बाकी बातें बताएंगे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं हैंडक्राफ्टेड कैफ़े। हैंडक्राफ्टेड है भोपाल में, जिसकी लाइव ब्यूरी बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारी प्लेसेस में आपको ले चलूँगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ये क्या बन रहा है मैम? ये आइसक्रीम बना रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो फाइनली गाइज हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, और हम लोगों ने ये फलाफल पॉकेट्स ऑर्डर किया था और कैपेचिनो ऑर्डर किया था, तो वो दो चीज़ें आ गई हैं। हम लोगों ने वैसे पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया है, बट वो अभी तक आया नहीं है, तो ये ट्राई करके देखते हैं एक बार कैसा है। मैंने इससे अच्छा फलाफल पॉकेट कहीं नहीं खाया है पूरे भोपाल में। तो गाइस पिज़्ज़ा भी हम लोग का आ गया है, आप देख सकते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खाएंगे कैसे यार, वो फलाफल बहुत है अभी तक, सच बता रहा हूँ। इसके लिए तो इतने चीज़ के लिए आई गेस बहुत हिम्मत चाहिए अकेले खाने के लिए, क्योंकि ये भाई साहब तो अमेजिंग सीरियसली। एक तो ये जो इनकी ये बेस है, ये यहाँ पे ये लोग खुद बनाते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्रिस्प भी आ रहा है और अंदर से बहुत सॉफ्ट भी है। एक्चुअली ये जो आपको मैं दिखाऊँ, ये बंदा जो है ये इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि एक इनका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था, तो ये अपने टीथ्स के साथ अभी कुछ करा के आए हैं, तो आई गेस उस पर कोई जेल लगा है, सेंसिटिव जेल, तो ये इसलिए खा नहीं पाती, तो मजबूरन ये पूरा मुझे ही साफ करना है। तो गाइस फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पे पूरा खाना ख़त्म किया, वो भी इसीलिए कि बहुत अच्छा था, सिर्फ इसलिए पेट में चला गया, वरना तो जाते ही नहीं, ये बात तो है। बिकॉज वो फलाफल एंड दैट पिज़्ज़ा दैट वॉज टू हैवी, बट इट वॉज रियली ऑसम, सो यू शुड ट्राई वंस। एंड यहाँ पे आप पहुँचने के लिए 10 नंबर मार्केट पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है नर्मदा हॉस्पिटल, उसकी लाइन में ही आगे ही जाके ये कैफ़े एंड क्राफ्टेड है, IDFC बैंक के जस्ट बाजू। तो जिसको भी यहाँ पे विज़िट करना हो, तो लिंक में मैं आपको एक फ़ोन नंबर के साथ यहाँ की इंस्टाग्राम ID एंड एड्रेस प्रोवाइड करवा दूँगा।